अभी नाम बोल दो श्री बुनियादी जरूरत है। बैंक हमारी बुनियादी जरूरत है। बैंक यहाँ से नहीं जाना। बैंक यहाँ से नहीं जाना। बैंक यहाँ से नहीं जाना। नाही मॅनेजरच्या त्यांच्या हातात नाही आहे। आपण निसर मार्गाने आपण लोकशाही मार्गाने आपण आंदोलन केले आणि यांच्या ज्या भावना आहेत ते कळवतो मराठी समजते जो भी भावना आहे तो उपर्यंत पोहोचणं हे आपलं काम बिलकुल वो तो इधर कुछ प्रॉब्लम है वो भी बताओ। पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश हमारे हमारे अध्यक्ष है डीसी कांग्रेस कमेटी के माननीय जो है जो नामदेवरा पवार साहब माजी आमदार आपके नेतृत्व में यहाँ के खातेदार सब आए इनके पास जितने भी खातेदार आप आए और आप इस विषय पे आपसे बात कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से उन्होंने निवेदन भी लाए देने के लिए वो चर्चा करते हैं तो आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया मतलब हमने क्या समझा फिर भी अरे आपको पहले क्या तकलीफ है आपको पहले तकलीफ हमको बताओ वो तकलीफ हम दूर करेंगे। अगर आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं है उसी जो एक दो बैंक यहाँ से बैंक यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो फिर बैंक नहीं हटना चाहिए। यूनियन मांगना है उनके क्या मांग रहे हो क्या मांग रहे हैं या आपको कुछ चंदा मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं कि कुछ तुम्हारे से हर महीने कुछ चंदा मांग रहे कुछ नहीं मांग रहे हो वो भी वो तो बेचारे बोल रहे हैं कि भाई हमको फैसिलिटी होना चाहिए हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़े ज्यादा खातेदार यह है मैं देख रहा हूँ कम से कम 25,000 खातेदार है ठीक है 1,500 कम होंगे 2,000 कम होंगे एटलीस्ट 20,000 तो खातेदार आपके पास है। अरे बैंक प्रॉफिट में चलना बोल के हम जगह ढूंढते कौन से एरिया में बैंक अच्छी चलेंगी कौन से एरिया में प्रॉफिट में बैंक चलेंगे अपन जगह ढूंढते मैं कुछ जगह ढूंढा भाई 7 ब्रांचेस खोला कुछ जगह ढूंढते प्रॉफिट में कहाँ चलेगी। अगर यहाँ प्रॉफिट में चल रही है ये तो बहुत खुशी की बात है। रिजर्व बैंक जो एनओसी देती है ना यू नो दैट रिजर्व बैंक तभी एनओसी देती है बैंक उस एरिया में प्रॉफिट में चल रही है। अगर प्रॉफिट में चलने वाली है तो रिजर्व बैंक परमिशन नहीं है तो ही रिजर्व बैंक परमिशन नहीं है प्रॉफिटेबल है बोल के परमिशन दिया है। और इन सारे लोगों का कहना यही है कि ये भी बैंक यार होना चाहिए बैंक कहीं को जाना नहीं चाहिए आपका भी काम होगा उन लोगों का भी काम होगा नमस्कार मी संजय शिंदे औरंगाबाद अपडेट्सला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा। औरंगाबाद अपडेट्स तुम्ही जरूर वाचत रहा बघत रहा ऐकत रहा धन्यवाद। हेलो दोस्तों मैं हूं राकेश बेदी और मेरी तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की शुभकामनाएं और अच्छे से काम करते रहने उसके मेरी बेस्ट विशेस। पद्मिनी कोल्हापुरे की तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।